इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। आप वैक्सीन ले रहे हैं और क्यों? देखिए, मैं कोई सियासी बयान तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे कोई ऐसा इस तरह से नजर नहीं आया कि कहीं पे फंडिंग गई हो, किसी इदारे में फंडिंग गई हो टू डेवलप वैक्सीन। शायद मेरी नजर से ना गुजरो, लेकिन जब तक आप एक कोई इदारा नहीं बनाते, कहीं पे फंडिंग नहीं देते फॉर दिस पर्पस, तो ये इसके रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। साइंटिस्ट को तो पहले दिन से ही इस पॉलिसी मेकिंग के अंदर मेरा ही ख्याल को बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया गया हो। अब ये जो वैक्सीन इस वक्त हम इंडिया से लेने की जिसकी बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली बेसिकली बनाई ऑक्सफोर्ड ने है, लेकिन इंडिया वाले इसको मास प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये काम पाकिस्तान भी कर सकता था और इसका जवाब मैं नहीं दे सकता कि क्यों नहीं किया गया। मेरे दायरे में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एक चाइनीज बेस्ड जो है इस वक्त उसका ट्रायल चल रहा है, ZF-2001। वो भी प्रोटीन बेस्ड जो है वैक्सीन है। मैं आई हैव मैनी रिजर्वेशंस अबाउट आरएनए बेस्ड वैक्सीन, और वो उसकी साइंटिफिक बहस में मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम में तो नहीं जा सकता, लेकिन प्रोटीन बेस्ड जो वैक्सीन है, इंक्लूडिंग द वन which is under trial and you at in University of Health Sciences, I think those would be a better long-term options rather than RNA-based vaccines. क्योंकि उनकी कुछ ऐसी मेरी नज़र में साइंटिफिकली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आगे जाके हम फेस कर सकते हैं जो कि अभी इस तरह से अयान नहीं है। नहीं है, मैं आता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर सामा ये फरमाइएगा, मैं डॉक्टर तनिका है, ये वो वैक्सीन है जो भारत से पाकिस्तान आएगी। कोवैक्स ने दुनिया की सहूलत के लिए उन मुल्कों में इसके प्लांट लगाने का फैसला किया या उन लोगों में इस वैक्सीन की प्रोडक्शन का फैसला किया जहां से आसानी से इसकी डिलीवरी हो सके। यानी ये वैक्सीन यूके में भी बन रही है, यूएसए में भी बन रही है, एक दो जगहों पर और भी प्रपोज है, जबकि इंडिया में भी कुछ मकाम पर यह वैक्सीन बनाई जा रही है। इंडिया की आबादी 1 अरब और 36 करोड़ है। इतनी बड़ी आबादी के मुल्क के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक फ़र्क है, और पाकिस्तान के पास उस तरह की फैसिलिटीज़ भी नहीं है। माजी के हुक्मरानों ने पाकिस्तान को वैसा बनाया भी नहीं। दूसरा, पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर वैक्सीन बना रहा था, चाइना के साथ मिलकर ज़्यादा तजुर्बात कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया भर की तनजीमों के साथ कोऑपरेट किया है। लिहाजा इंडिया का क्योंकि ज़्यादा झुकाव रहता है यूरोप की तरफ, तो इसके जो वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए इंतखाब किया गया इस खित्ते में किसी मुकाम का, तो वो भारत का किया गया। ना ये वैक्सीन भारत ने बनाई है, ना ये भारत की वैक्सीन है, ना भारत ने इसको ईजाद या दरियाफ्त किया है, ना इससे भारत कोई पैसे कमा सकता है, ना इसको बेच सकता है, और ना ही जिन मुल्कों को ये वैक्सीन मिलने वाली है उसका फैसला भारत करेगा, और ना ही उन मुल्कों को जिनको ये वैक्सीन चाहिए वो भारत से कोई डील उनको करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? ना ये वैक्सीन भारत की है, ना भारत बेच रहा है, ना भारत बना रहा है, ना भारत ने ईजाद की है, ना भारत का कोई ताल्लुक है, ना भारत पाकिस्तान को दे सकता है, ना भारत पाकिस्तान को देने से रोक सकता है। यानी मिसाल के तौर पे आईफोन जो है वो अमेरिकन कंपनी है, चाइना पे बनते हैं। नाइकी जो है वो चाइना में बनते हैं, कंपनी किसी और की है। रेबन कंपनी कहीं की है, चाइना में बनती हैं। बेशुमार चीज़ें हैं जो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर इसलिए बनाई जाती हैं कि वहाँ पर कंपनीज ला के लगा देती हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा है। कोवैक्स का जो WHO का इदारा है, उसने गरीब मुल्कों को वैक्सीन देनी थी, उसके लिए उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन का अमल है वो भारत में शुरू किया। भारत से ये वैक्सीन कहाँ कहाँ पे गई है? भारत से ये वैक्सीन गई है जी नेपाल में, उसके बाद भारत से नेपाल में गई है 3,48,000 डोजेज अभी तक चली गई हैं। इसकी जो वैक्सीन की जो डोज है, ये 3,48,000 इंजेक्शन जो हैं वो चले गए हैं नेपाल में, और इसके अलावा 1 करोड़ वैक्सीन जो है भारत से वो अफ्रीका में चली गई है। ये कोवैक्स की है, भारत की नहीं है, लेकिन भारत में बनी है, वहाँ से जा रही है अफ्रीका में। 1 करोड़ वैक्सीन वहाँ चली गई है। अफगानिस्तान में भी इसकी वैक्सीन पहुँची है और 3 मिलियन डोजेज़ वहाँ पे मज़ीद आएंगी। 4,68,000
जो है वो स्टार्ट कर दिया गया, 4,68,000 खुराकों से भारत में स्टार्ट कर दिया गया है। भारत से अफगानिस्तान में पहुंच गई हैं, नेपाल में पहुंच गई हैं, श्रीलंका में पहुंच गई हैं, दीगर कई ममालिक में जा रही हैं। ये वो सारे आसपास के गरीब मुल्क हैं जो खुद वैक्सीन नहीं खरीद सकते। पाकिस्तान भी इन्हीं मुल्कों में से एक है। 17 मार्च को पाकिस्तान अनाउंस कर देगा और 17 मार्च से लेकर जून तक 1.5 करोड़ वैक्सीन जो हैं वो पाकिस्तान को मिलेंगी। जो कोवैक्स देगा WHO देगा, प्रोडक्शन वो भारत पे कर रहे हैं, देने का फैसला और लेने का फैसला ये WHO और पाकिस्तान का है, इसमें भारत का कोई किरदार नहीं है। भारत रोक के दिखा दे कि हम पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं देते, रोक सकता है तो रोक ले, नहीं रोक सकता। हाँ, रोकने के लिए एक ही तरीका है कि वो अपने अखबारात में ऐसी खबरें छापे या पाकिस्तान के सहाफ़ी ऐसी बातें करें कि पाकिस्तान भारत से भीख मांग रहा है और भारत से वैक्सीन खरीद रहा है या भारत से वैक्सीन मांग के ले रहा है, तो पाकिस्तानी रिएक्ट कर जाएं और हकीकत समझे बगैर शोर मचाएं तो पाकिस्तान की हुकूमत दबाव में आ जाए। ये तरीका है, लेकिन हम बैठे हैं ना आपको असल बात बताने के लिए। तो असल बात यह है कि बाकी 3 करोड़ वैक्सीन जो पाकिस्तान को और मिलेंगी वो जुलाई से दिसंबर 2021 तक मिल जाएंगी। यानी पाकिस्तान को कोवैक्स जो WHO का एक इदारा है। तो गाइज़ ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तान के इन बेवकूफ़ों को आपने सुना, पाकिस्तान की ये बेवकूफ़ भारत की वैक्सीन को लेकर कुछ बात कर रहे थे। भारत की वैक्सीन, आपको बता दें भारत में वैक्सीन इतनी ज़्यादा बनती है, मतलब दुनिया में जो 60% जो वैक्सीन बनती है वो भारत में बनती है। तो आप समझ जाएं, भले वो मैन्युफैक्चर होती हैं या भारत में डेवलप होती हैं, आपको बता दें एस्ट्राजन जो वैक्सीन है जो पाकिस्तान में जाने वाली है थ्रू गावी, भारत से 45 मिलियन डोजेस, लगभग 4.5 करोड़ डोजेस जाने वाले हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानी इतने बेवकूफ़ हैं, ये भारत को ताना मार रहे हैं कि ये भारत की वैक्सीन नहीं है भारत में, जबकि ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मतलब दोनों ने मिलकर बनाई है और इसे मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है भारत में, क्योंकि उन्हें भी पता था कि भारत ही एक ऐसा देश है जो बड़े तादाद में बड़े नंबर्स में वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकता है। और आज आपको बता दें भारत के लिए एक और मतलब अच्छी खबर है कि भारत में रशियन वैक्सीन के बाद, इंग्लैंड की वैक्सीन के बाद, अब अमेरिकन वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन जो सिंगल डोज वैक्सीन है, मतलब जो कोरोना के खिलाफ सिंगल डोज में ही असर करेगी, वो वैक्सीन भी भारत में मैन्युफैक्चर होगी, मतलब भारत में बड़े नंबर्स में बनेगी। और भारत की खुद की वैक्सीन जो देसी वैक्सीन है भारत बायोटेक और भी 2-3 हैं जो जिनके नाम आप जानते हैं, वो वैक्सीन वैसे भी जलवा दिखा रही है, अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो भारत में वैक्सीन में ही वैक्सीन है। तो दोस्तों, पाकिस्तान का जो पत्रकार है वो पता नहीं बेमतलब के इस वैक्सीन के मुद्दे में भी कश्मीर ला रहा है। तो आप समझ सकते हो दोस्तों पाकिस्तानियों की सोच, पाकिस्तानी एक बेवकूफ़ जाहिल और गवार ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है, इनको अक्ल ही नहीं है। ये पाकिस्तानी भारत से 90% अपने जो ओवरऑल मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो भी हैं इनकी, वो भारत से ही अपनी पूर्ति करती हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हो, भारत से ही ये मल्टी विटामिन दर्द की गोली तक ही लेते हैं। मुझे तो शक है कि ये शायद भारत से कॉन्डोम भी लेते हैं, हालांकि ये कॉन्डोम बहुत कम लेते होंगे क्योंकि आपको भी पता है कि कॉन्डोम की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।